हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सियाद अंसारी, स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल डॉक्टर में। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा में भरने में बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलतियां किए हुए हैं, जिनके कारण वो जो है अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। तो मैं बताऊंगा वो कितने स्टूडेंट हैं और उनके लिए क्या विकल्प है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा जो है बहुत पहले ही भरा चुका था। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट शामिल हुए हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा फॉर्म भरने में कुछ अपने सब्जेक्ट में गलतियाँ किए हुए हैं। बिहार बोर्ड द्वारा जो भी न्यूज़ आ रही है कि 993 स्टूडेंट वैसे हैं जो अपने परीक्षा फॉर्म में भरने में विषय में गलतियाँ किए हुए हैं। वैसे स्टूडेंट जो गलती किए हुए हैं उनकी संख्या 993 है। वो ना तो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ना यदि वो शामिल भी हो जाए तो, लेकिन उनका रिजल्ट जो है नहीं आएगा। तो उन लोगों के लिए बिहार बोर्ड ने एक मौका दिया है, तो मैं आगे बताऊंगा। तो ये स्टूडेंट यह गलती किए हुए हैं कि जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो उनको जो है संस्कृत, अरबी, फारसी एंड भोजपुरी में से उनको किन्हीं एक सब्जेक्ट को चूज करना था परीक्षा भरने के पश्चात। और वैसे स्टूडेंट, लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट है यानी और हिंदी भाषी वाले, तो उनको जो है हिंदी जो है वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चूज करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है गलतियां कर चुके हैं। तो इसमें जो भी जिम्मेवार है, तो इनको जो भी परीक्षा फॉर्म भरते हैं उन लोगों को पहले समझ लेना चाहिए, और जो फॉर्म भरते हैं उसका एक फोटोकॉपी लेकर पहले अलग से उसको भरकर एथी करना यानी फिल कर लेना चाहिए अच्छे से, और अपने टीचर से समझ लेना चाहिए तब उनको फॉर्म भरना चाहिए। तो जो भी 993 स्टूडेंट का फॉर्म जो है गलती हुआ है, तो उनको सुधारने के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो है 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच आपके जो भी शिक्षा अधिकारी हैं तो उनके पास, या आप अपने स्कूल या कॉलेज चले जाइएगा जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो वहाँ से आप सुधार करवा सकते हैं। यह जो समय बताया गया 4 से लेकर 9 नवंबर के बीच जो है बिहार बोर्ड का पोर्टल खुला होगा, तो इसी के अंतर्गत जो है आप अपना जो भी सुधार कराना चाहते हैं और जो भी आपका विषय कोड हो, यानी कि जो भी सब्जेक्ट कोड हो उसको आप इंडिकेट कर, यानी कि जो भी आपका हिंदी का कोड अलग होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है उसका अलग अलग होता है, तो वो कोड आप चूज कीजिए, उसी के बगल में ही टिक लगाइए कि हमको ये सब्जेक्ट लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी एस एम एल, बी एफ पी, टेक केयर एंड बाय बाय।